किसान भाइयों नमस्कार। गन्ने की खेती ट्रेंच विधि से करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी गहरी जुताई करके तब ट्रेंच तैयार किया जाए। बहुत सारे किसान भाई उथली जुताई करते हैं और फिर उसमें ट्रेंच निकालते हैं, ट्रेंच सीधी नहीं निकल पाती। यहाँ इस वीडियो में आपको दिखाया गया है, बहुत अच्छी सुंदर ट्रेंच निकाली गई है लेकिन इसकी पहले जुताई चिजलर से की गई है। चिजलर 30 से 35 सेंटीमीटर गहराई तक खेत की जुताई कर देता है, जिससे जो कड़ी परत जमीन के अंदर रहती है वो टूट जाती है और नीचे जीवांश की मात्रा जमीन में कम होती है, जीवाणुओं की मात्रा कम होती है, वह भी ऊपर मिट्टी आ जाती है और नीचे जो दीमक है या वाइट ग्रब हैं ये भी आ जाते हैं ऊपर और ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गन्ने की जड़ें गहराई तक जाती हैं और उसका ये फ़ायदा होता है कि जब जड़ें गहराई तक जाएंगी, जड़ों की संख्या ज़्यादा होगी, लंबाई ज़्यादा होगी, ज़मीन से पोषक तत्व भी ले पाएंगी, नमी भी ले पाएंगी और पौधे की जो बढ़वार है, जो ब्याज की संख्या है, गन्ने बनने की संख्या है वो बढ़ेगी। बुआई जब दो आँख के टुकड़े या एक आँख के टुकड़े से 5 फीट की दूरी पर हम करते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज हो। जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं, गहरी जुताई करके और बुआई करते हैं, तो निश्चित तौर से ब्याज ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे जो प्लाट वीडियो में दिखाया गया है बहुत अच्छा ब्याज हुआ, 1 मीटर की लंबाई, जो गोल की लंबाई होती है उसमें हम बताते हैं किसान भाइयों की जो पर्याप्त संख्या वांछित संख्या होती है टिलर्स की, वो कम से कम 18 होनी चाहिए, 20 तक हो सकती है। गन्ना जमने के बाद जब टिलरिंग हो जाती है, ब्याज हो जाते हैं, तो वो मेंटेन करने में बहुत मदद मिलती है, उपज हमको तभी मिल पाती है। यहाँ आप देखेंगे वीडियो में कि इवन 30 गन्ने तक 1 मीटर की लंबाई में 30 गन्ने तक बन गए हैं और जिससे उपज हमारी बहुत अच्छी तरीके से ली जा सकती है। खास जो बात इस प्लाट में बरती गई है कि जो पानी लगाया गया है केवल ट्रेंच के अंदर पानी लगाया गया, खाद जो दी गई है यूरिया DAP NPK वो सब लाइन के अंदर ही डाली गई है, बाहर नहीं डाली गई। इससे जहाँ खाद की जो खपत है वो भी कम हो गई, पानी कम से कम 60% 60% आधे से अधिक पानी की बचत भी हो जा रही है। ये फसल सितंबर के महीने में बोई गई है जिसको दिखाया जा रहा है और अभी जनवरी के महीने में पूरी तरीके से इसमें टिलरिंग हो चुकी है। मार्च आते आते ये गन्ना ऐसा हो जाएगा कि इसमें अर्ली शूट बोरर लगने की संभावना, कंसुआ लगने की संभावना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और अभी जब मार्च अप्रैल में हम इसकी एक बार निराई गुड़ाई दो बार कर देंगे, फिर मई के महीने में जो सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना होता है उसमें कोई निराई गुड़ाई इसमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल जून में मिट्टी चढ़ाई जाएगी, उस समय इसमें पोटास फिर से 5 किलो प्रति बीघे 25 किलो प्रति एकड़ की दर से डाल करके और मिट्टी चढ़ा दी जाएगी। तो गन्ने का उत्पादन अच्छा होगा जब मिट्टी मई जून के महीने के बाद जून में लगभग चढ़ाई जाएगी, उस समय जो गन्ना बनेगा, नया गन्ना बनेगा, उसमें से जड़ें, नई जड़ें निकलेंगी, वो पौधे को पोषक तत्व ज़मीन से लेकर के प्रदान करेंगी और उपज ज़्यादा होगी। कारण उसका ये होगा कि गन्ने की लंबाई और बढ़ेगी, जब जड़ों की संख्या बढ़ेगी तो गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, उसकी मोटाई भी बढ़ेगी और गन्ना भी अच्छा होगा। यहाँ आप देखें कितना सुंदर ट्रेंच बनाया गया है, इसकी दूरी 4.5 फिट है लाइन से लाइन की और सभी में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया गया है, साथ ही में सिंगल सुपरफास्फेट खाद के रूप में प्रयोग किया जाए।